यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, देश भर में आज नीट की परीक्षा आयोजित करवाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीबीएसई की ओर से ये परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। देश भर में 150 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 2,00,000 ज्यादा है। मोबाइल, ब्लूटूथ, कैमरा आदि के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। देश भर में आज नीट की परीक्षा होने जा रही है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर देश भर में 150 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो पिछले साल के मुकाबले 2,00,000 ज्यादा इस बार बताई जा रही है। तो देश भर में आज नीट की परीक्षा आयोजित की जा रही है। देश भर में 150 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बना लिए गए हैं। मोबाइल, ब्लूटूथ, कैमरा आदि के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। तो आपको बता दें कि सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही देश भर में आज नीट की परीक्षा होने जा रही है। देश भर में 150 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीबीएसई द्वारा हर साल ये परीक्षा आयोजित की जाती है। तो जो स्टूडेंट्स स्टडी ग्रेजुएट में मेडिकल कोर्स में करना चाहते हैं उनके लिए ये परीक्षा करवाई जाती है और मोबाइल, ब्लूटूथ, कैमरा आदि के प्रयोग पर आज रोक लगा दी गई है। देश भर में आज नीट की परीक्षा होने जा रही है। तो आपको बता दें कि 150 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर निगरानी भी रखी जाएगी। मोबाइल, ब्लूटूथ आदि किसी भी प्रकार की कोई चीज से प्रयोग करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो पिछले साल के मुकाबले 2,00,000 ज्यादा इस बार है।